हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जाने वाले हैं लिंक्स ग्रुप के बारे में कि एमएस वर्ड में जो लिंक्स ग्रुप दिया है इसका क्या यूज है और कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए पहले लिंक के बारे में जानते हैं, यह होता क्या है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट लिखवाया था उन्हें क्या? जी बहुत अच्छा। देखिए सबसे पहले इस ग्रुप के नाम से आपको पता चल रहा है, लिखा गया लिंक्स ग्रुप। देखो लिंक मतलब क्या होता है, बताओ नहीं कहते लिंक है हमारा, बताइए जिसे। सभी लोग बोले या तो सभी लोग बताना चाहिए। दो जवाब आया, चलिए बहुत अच्छा, बच्चे से पढ़ाई करते हो। देखिए यहाँ पे जो लिंक्स ग्रुप है, लिंक का मतलब तो जोड़ना, ठीक है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि एक दूसरे को आपस में जोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लिंक जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कहते हैं बाबू इसका लिंक हुआ भेज देना, खूब कहते हो तुम लोग, ठीक है। मतलब इस वीडियो का लिंक भेज देना या इस साइट का लिंक भेज देना, मतलब क्यों भेजते हैं, मतलब उस लिंक के जरिए डायरेक्ट उस वेब पेज पे जा सकते हैं जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक मैंने कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का एक वीडियो मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से टीचर पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं कह दूं कि बाबू इनपुट डिवाइस का वीडियो जाकर पढ़ लो, तो यूट्यूब पे लगभग 100 से भी ज्यादा टीचर मिलेंगे जो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा जो मुझे अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि जो मेरा फ्रेंड है उसको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये भाषा बहुत ही अच्छा है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो अगर मैं वैसे कह देता हूँ कि जाके पढ़ लेना, तो खोता रह जाएगा, पढ़ता रह जाएगा और टीचर मिलेगा नहीं। डायरेक्ट उसका लिंक भेज दे तो क्लिक करते उसके पास चला जाएगा। मतलब लिंक जनरेट करने का मतलब वह स्पेस, वह स्थान जहां पे क्लिक करते ही पार्टिकुलर उस पर्सन के पास चले जाएं, उस साइट के पास चले जाएं, उस सॉन्ग उस वीडियो के पास चले जाएं जहां पे हमको जाना है, जिसका हमको इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए लिंक जनरेट करते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं। तो वही लिंक ग्रुप दिया है और इस लिंक ग्रुप में तीन ऑप्शन दिया है, हाइपर लिंक दिया है, बुकमार्क दिया है और उसके बाद से दिया क्रॉस रेफरेंस। तो सबसे मेन पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हाइपरलिंक, क्योंकि हाइपरलिंक एक दिन का पूरा टॉपिक है, ठीक है, उसमें एक और एक दिन लग जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सुनना समझना, ये लिंक कहाँ कहाँ पे काम करेगा। जैसे ये मेरा पीसी है और पीसी में मैंने क्या किया, मेमोरी से रिलेटेड कोई हमने नोट्स बनाया, क्या बनाया है, नोट्स बनाया है, और इसको मैंने डी ड्राइव में एएसके के नाम से और कंप्यूटर मेमोरी के नाम से सेव करके रखा है। फिर इसी कंप्यूटर पे हम नया कोई पेज ओपन करते हैं और इस पे कोई नोट्स हम भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार या कभी कभी ये जो हमने नोट्स बना के पहले रखा था उसका जरूरत पड़ रहा है। एक तो तरीका है कि इसको मिनिमाइज करेंगे और फिर से डी ड्राइव में जाएंगे, एसके में जाएंगे और इसको ओपन करेंगे, देखेंगे, फिर से क्लोज करेंगे, या कॉपी पेस्ट करना है तो कर लेंगे, बोलो। और एक तरीका है कि बस हम यहाँ पे क्लिक करें तो तुरंत यहाँ पे चले जाए। अब बताओ कौन सा प्रोसेस अच्छा है, दूसरा वाला, क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको खोलना पड़ेगा दिस पीसी, तब डी ड्राइव, तब एस के, तब कंप्यूटर मेमोरी, और एक बार अगर मेहनत करके लिंक दे देते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही तुरंत जंप करके यहाँ पे चले जाएंगे। वह संभव है, किसे, उसे बोलते हैं हाइपर लिंक। और शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस की, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलो ये तो पहला प्रोसेस है,
उसी में अगर हो तो कैसे लिंक करेंगे। चलो अगर तुम सोच रहे हो किसी URL को लिंक दे दें तो भी दिया जा सकता है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब क्या करता है, जैसे आप लोग इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट पे कोई कुछ सर्च करते हो और इंटरनेट पे देखते हो वहां पे बॉक्स बना रहता है, और जो बॉक्स में कुछ लिखते हो ना उसी बोलते हैं URL। क्या बोलते हैं? URL। तो कोई साइट पे हम काम कर रहे हैं और इंटरनेट के किसी वेबसाइट को हमको लिंक करना है, किस पे? इस वाले पेज पे। तो किसी इंटरनेट के वेबसाइट को लिंक कर सकते। मान लो हम पिछले क्लास में आधार कार्ड पढ़ाए थे ना जी, आधार कार्ड का लिंक कर दूंगा इस पेज पे, तो जैसे इस पेज पे क्लिक करूंगा तुरंत जंप करके आधार कार्ड पे चला जाऊंगा। मतलब इंटरनेट पे भी काम किया जा सकता है इससे। और थर्ड क्या है? तो थर्ड, जिस डॉक्यूमेंट में, जिस नोट्स में काम कर रहे हो ना, उसमें भी लिंक कर सकते हो। किसको? किसी हेडिंग को। किसको? किसी बुक मार्क को। मतलब इसमें, इसी में, इसी से करना है तो हेडिंग किया जा सकता है, बुक मार्क किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल करेंगे हाइपर लिंक। तो लगभग 6-7 ऑप्शन हमारे मिलेंगे हाइपर लिंक में, और इन्हीं 5-6 ऑप्शनों का इस्तेमाल करके हम लोग ये सारा काम करेंगे। यूं कह लो, एक शब्द में कोई पूछता है तो बता सकते हो कि हाइपर लिंक का प्रयोग किसी एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो चलिए, वो कैसे जोड़ते हैं, क्या प्रोसेस है, वो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। जैसे देखो, मैं आता हूं इंटरनेट पे और आप बताओ, मैंने यहां पर सर्च किया व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो जब हम लोग सर्च करते हैं तो बताओ लिंक आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों नहीं? मैं यहाँ पे क्लिक करके चले जाते हैं, बताओ ना, नहीं जा पाते हैं, इसके लिए लिंक जनरेट हुआ है। हम यहाँ पे तो क्लिक करके जा सकते थे, नहीं, सेलेक्ट हो रहा है। मतलब जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देखो। और जैसे यहाँ पे आते हैं लिंक देखो चेंज हो जाता है, कर्सर देखो एरो दे रहा है, अब हैंड आकार का हो जाएगा, और क्लिक करते देखो ये हमारा पेज खुल गया और यही पे हमको आना था। इसे बोलते लिंक हम दिए हैं। अगर इस पे नहीं काम करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे चले जाए, इसे बोलते हम लिंक दिए, ठीक है? यह है हमारा लिंक। क्लियर है सबको? अब चलो आगे बढ़ते हैं और रियल हम लिंक देके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ आपके सामने ही बना के रखे, तो चलो देखते हैं, या पहले से बना के रखे होंगे, हम तो सिर्फ जल्दी करते नहीं, बनाते हैं तो बनाना ही पड़ेगा। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। हम ले लेते हैं स्मार्ट आर्ट, इसी को समझा देते हैं। इक्वल रैन, कितना पेज ओपन हुआ? दिखा नहीं दे रहा। 2 पेज। कितना? 2 पेज। चलो थोड़ा जूम कर देते हैं, दिखाई दे रहा है। और ये जो पहला हमारा हेडिंग है वो वीडियो से रिलेटेड है, तो लिख दिया एंटर, दबा दिया, बस सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कलर। सेकेंड वाला जो हेडिंग है वो रीडिंग से रिलेटेड है, बोल्ड, बस। और इसको मैं फाइल पे जाके, ब्राउज पे जाके, और कहीं पे भी, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, और वीडियो के नाम से सेव कर दिया। मान लो ये जो नोट्स हमने बनाया ना, वह वीडियो से रिलेटेड नोट्स है, यही बना कर रखा है। अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, अब मैं अगले दिन आऊंगा और एक नोट हमको तैयार करना वीडियो से रिलेटेड ही, और मैं सोच रहा हूँ वहां बनाया हूँ उससे हेल्प लेना हमको। एक तो तरीका, विंडो प्लस आर दबाएंगे और जो लिखना वो लिखेंगे यहाँ पे आके, बोलो। लेकिन और भी ज्यादा हमको मैटर चाहिए, ये मुझे पढ़ना है, समझना है कि आज वाले में क्या है और कल वाले में क्या था जो मैंने बना के रखा है, और या उसका इस्तेमाल ही हमको करना, यूज ही करना। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं,
एक तरीका है किसको मैं मिनिमाइज करूं, और मिनिमाइज करने के बाद चलो अब देखो मुझे जाना है तो क्या करूंगा, मिनिमाइज और डॉक्यूमेंट्स और वीडियो या क्लिक करूंगा, ऐसे खुलेगा पढ़ लूंगा, जो पढ़ना है लेना है कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, नहीं पढ़ लिया तो ना आगे यहाँ पे आ जाएंगे किसी उसी पे। फायदा क्या है, मतलब तुरंत यहाँ पे मिनिमाइज किया, वहां पे गया ओपन किया इस्तेमाल, फिर से कट किया, फिर से काम करना, फिर से वही करेंगे। तो ये बार बार नहीं करना चाहते हैं और एक बार लिंक जनरेट करना चाहते हैं। तो चलो मैं आता हूं, इस बार लिंक देता हूं किसका, उस डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक का नहीं, हाइपरलिंक से देंगे वीडियो सेलेक्ट इंसर्ट हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, क्या लिखा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेंगे करेंट फोल्डर, और करेंट फोल्डर में लेंगे कहाँ पे रखे हो, तो डॉक्यूमेंट्स में रखा कि डेस्कटॉप पे रखा है जी, तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद नीचे आएंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका लिंक यहाँ पे जनरेट हो गया है और इसको कर देंगे ओके। तो देखो जैसे वहां पर नीचे अंडरलाइन आ रहा था क्रोम ब्राउजर पे, वैसा देखो मेरे यहाँ भी नीचे आ गया। अब देखो कर्सर यहाँ पे दूसरे तरह दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे भी वैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे देखो लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो वी लिंक, जैसे कंट्रोल दबाएंगे तो जैसे वहां पे हैंड था वैसे देखो यहाँ पे भी जनरेट हो, छोड़ दिया कर्सर आ गया, कंट्रोल दबाया यही होता लिंक सारा ना, आते हैं कंट्रोल दबाते हैं और कंट्रोल दबा के जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, Do you want to continue? No, yes. तो जंप करके लेके चला गया। अरे इसको काट दिए थे, बंद था, खुला नहीं था, फिर भी काम करना है तो कहीं खोजना नहीं, बस क्लिक कहीं पे भी हो यस आ जाएगा। क्या हाँ यही इसी लिंक जनरेट कर रही है, यह वाला इसी का लिंक जनरेट किया वाला, यह लिंक जनरेट हुआ है इसी पे, मतलब जितना बार क्लिक करें इसी पे क्लिक करेंगे, समझ रहा है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे वहां से जाके, जैसे क्रोम पे सर्च किए थे तो ऐसा लिंक आ गया तो क्लिक करते तो दूसरे पे चले जा रहा था ना, वैसे एक लिंक जनरेट किया तो लिंक उस पेज से जोड़ा गया था, तो वेब डिजाइनिंग किया गया है और हम एनएमएस और पढ़ा रहे हैं, ठीक है ऐसे कर सकते हो जाएगा। लेकिन ये देखो ये हमारे पीसी में जो डॉक्यूमेंट सेव था उसमें हुआ है, लेकिन हम सोच रहे नहीं कोई ऐसा तरीका रहता इंटरनेट पे भी किसी साइट पे जम करके चले जाए, ठीक है वो कैसे होगा। तो चलो कल आधार वालों ने पढ़ाया था, तो आधार वाले के लिए कहाँ गए थे बाबू, हम क्रोम ब्राउजर को ओपन किए थे, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद से हम यहाँ पे सर्च किए थे, और उसके बाद से क्या आया था लैंग्वेज सिलेक्शन,
बहुत स्लो चल रहा है। चलिए स्कॉलरशिप वाला बता देता हूँ, ये साइड बड़ी स्लो चल रहा है इसमें। जी मैं कहाँ पे आ गया, स्कॉलरशिप पे। और मैं क्या करता हूँ, ये जो यूआरएल इसका दिख रहा है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ बस। अब ऐसा मत समझना कि जाके पेस्ट कर देंगे तो काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। इसके लिए हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पेस्ट करो ना, अब जाओ जंप करके, क्लिक क्लिक क्लिक, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसके लिए हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा। अब इस साइड को हम कर देते हैं यहां से बंद, कर दिया ना हमने बंद। अब आ जाऊंगा इस पे और इसका लिंक यहां पर नहीं देना, ये तो गलती से दे दिया। हम लिखेंगे अब कौन सा साइट्स है तो बता सकते हैं। सेलेक्ट कंट्रोल के, हो जाएगा ना। और उसके बाद से अभी आ रहे थे करंट फोल्डर पे, अब नहीं आएंगे, अब आएंगे ब्राउज पे। एक ब्राउजर को सर्च करना हम, और ब्राउजर का एड्रेस पूछा जा रहा है, यहीं पर राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें जो हमने कॉपी किया था। अब कर देंगे ओके, आगे लिंक जनरेट हो गया। अब देखो यहाँ पे खुला है, पहले दिखा दो, तो सर नहीं खोल कर रखे थे, नहीं खुला है ना। अब आते हैं यहाँ पे और इसका मोबाइल बज रहा है जी, बगल में क्लिक आगे आ रहा है। तो ऐसे किसी वेबसाइट का चाहोगे तो जितना वेबसाइट पड़े हो सब एक जगह लिंक दे दो, आज जब जब जरूरत पड़ेगा बस क्लिक कर दो, खोजने की जरूरत नहीं। किसी एक पेज पे, नए पेज पे सारे साइट का लिंक जनरेट कर रख दो, अब फ्यूचर में जब जरूरत पड़े उसी पेज को खोल लो। आधार पे काम करना आधार वाले क्लिक कर दो, स्कॉलरशिप वाले पे काम करना स्कॉलर पे क्लिक कर दो, ट्रिपल सी का फॉर्म भरना है ट्रिपल सी वाले क्लिक कर दो, हो जाएगा। अच्छा हम सुन कर रहे कहाँ से बज रहा है, इसके घर कोई लड़का रो रहा है जो जुड़ा है। अरे यार तुम अपना अपना माइक्रोफोन ऑन करो, घर पे है सब, ठीक है, गाँव घूम रहे होंगे, सब आवाज आ रहा है। पंकज है, फरीदा खातून है, राजमोहन है। चलिए क्लियर है बाबू इतना, एक जान गए। चलो अच्छा, चलो इस बार मैंने साइज का दे दिया और इस बार हमने सर्च किया क्या, प्रदीप सर कब प्रदीप सर पढ़ा दिए थे, पहले पढ़ा दिए थे, हम पढ़ा रहे तो क्यों भूल गया था। यही हाइपर लिंक दे रहा ना आप ना, लिखा गया है व्हाट इज हाइपर लिंक, तो देखो बताया जा रहा है आपको कि हाइपर लिंक इज एलिमेंट्स इन द एचटीएमएल, ठीक है। तो मान लो इसी के बारे में को जानना है, या देखो ऑप्शन भी दिया है, या हाइपर लिंक द टेक्स्ट एंड आइकन दैट यू कैन क्लिक ऑन द गेट द अनदर वेबसाइट, बता रहे नहीं बता रहे इसके बारे में, इसी के बारे में पढ़ना हमको, तो यहाँ पे आ गया और यही नोट्स हमको पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, लाके पेस्ट कर दो और फिर से यहीं पे आएंगे और इसका यूआरएल हमने कॉपी कर ली और लाके क्या किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल के कर दिया और ब्राउज पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। आ गया, अब बस उसी के बारे में पढ़ना है, तो मैं आता हूं यहां से क्लोज कर देता। अब देखो कई जगह क्लिक क्लिक कर सर्च किया, मुझे अच्छा लगा तो ले लिया, वो ऐसे ही बस जाना है तो बस क्या करोगे, क्लिक आगे बाबू।
तो कंट्रोल के साथ ही क्लिक करोगे, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो लगभग समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताओ। चलो भागवत है, चलिए आते हैं। और नेक्स्ट अगला है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑप्शन ने पढ़ाया है, उसके बाद से सेकेंड वाले इस्तेमाल, सेकेंड ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब प्रेजेंट टाइम में जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, मतलब जिसपे ओपन करके इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसपे भी कोई लिंक देना चाहते हो किसी लेसन का, किसी हेडिंग का, तो आप दे सकते हो। अब वो कैसे दोगे, इसके लिए आपको सेकेंड वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, देखो यहाँ पे लिखा है हेडिंग और बुक मार्क, मतलब किसी हेडिंग को लिंक करना चाहते हो कर सकते हो, और कोई बुक मार्क देना है तो दे सकते हो। इन्हीं दोनों का डॉक्यूमेंट में अपने जिसपे काम कर रहे हो उसको लिंक दे सकते हो। आपको तो हेडिंग देने का क्या मतलब है, क्यों देंगे, क्या इसका फायदा है? फायदा यही है कि मान लो हमने 10 पेज का नोट्स बनाया है, और पहला हेडिंग है पहले पेज पे, दूसरा हेडिंग है तीसरे पेज पे, ठीक है, चौथा हेडिंग हमारा 10वें पेज पे, मतलब कहीं कहीं ना कहीं है, किसी लोकेशन पे है। एक तो तरीका है, मान लो पहले हेडिंग के बारे में पढ़ना है तो धीरे धीरे आएंगे नीचे, फिर से दूसरे के बारे में पढ़ना है तो फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। और मैं सोच रहा नहीं पहले लिंक दे दूं, अब मुझे दूसरा हेडिंग पढ़ना है तो बस क्लिक कर दूं तो दूसरे हेडिंग में चला जाऊं, क्लिक कर दूं तो चौथे हेडिंग में चला जाऊं, और इसी डॉक्यूमेंट में चला जाऊं, किसी दूसरे में नहीं जाना हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। या मैं मार्क दे दिया कि कल मैं कहां तक पढ़ा था, और कल मैं आऊं तो वहीं से जंप करके पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो उसके लिए बुक मार्क लगा के लिंक दिया जा सकता है। मतलब ये जो दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो उसी डॉक्यूमेंट में काम करेगा जहां पे आप वर्क कर, करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जो हम वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हैं इसे नहीं कर पाएंगे, किसी अदर डॉक्यूमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन दिया हेडिंग और बुक मार्क, तो इसी में हेडिंग रहेगा इसी में बुक मार्क रहेगा तो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो चलो अब तो कोई हेडिंग लगाया है क्या, कोई हेडिंग लगाया हमने नहीं लगाया, इसलिए हेडिंग में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। क्या कोई बुक मार्क लगाया है, नहीं लगाया है, इसलिए कोई नहीं ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन देखो अभी मैं जैसे हेडिंग लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग, और हेडिंग के नीचे क्या क्या हेडिंग दिया हुआ आ जाएगा। अगर हम कोई बुक मार्क लगा देंगे तो बुक मार्क के नीचे जो जो हमने मार्क लगाया वो आ जाए, तो हमने कुछ भी नहीं लगाया है इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है। चलो अब जनरेट करते, इस्तेमाल करते हैं। चलो थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, तब या इसी पे जो हम बना के सेव किए थे वीडियो वाला, एक वीडियो के नाम से था, एक हेडिंग रीडिंग के नाम से था, लेकिन ऐसा हेडिंग देंगे तो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको हेडिंग देना होगा, कौन सा, सेलेक्ट हेडिंग फर्स्ट, पढ़ाया था ना हमने, अरे होम टाइम में हेडिंग स्टाइल से, यही से देखो तो काम करेगा, मैनुअली देखो काम नहीं करेगा। सेलेक्ट हेडिंग टू, अब आ जाता हूं क्लिक हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग सेकेंड, हेडिंग फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो अभी तो हेडिंग नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा, कंट्रोल एच नहीं कंट्रोल के, और कहां पे आएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, दिख रहा है हेडिंग, देख लो हेडिंग के अंदर कितना हेडिंग, तो एक वीडियो, एक रीडिंग, वीडियो कौन सा हेडिंग है, पहला, ओके, फिर सेलेक्ट कंट्रोल के, रीडिंग कौन सा हेडिंग है, दूसरा है, ओके। अब मुझे हेडिंग फर्स्ट के बारे में जानना है तो यहां से खोजता खोजता जाऊंगा तो बोले अच्छा वीडियो टू के बारे में पढ़ना है रीडिंग, तो यही पास में तो मिल जा रहा है, जब नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा रहेंगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी हो
बस क्लिक करूं, हेडिंग वन पे चला जाऊं, क्लिक आ गया। कहीं पे हूं, दूसरे पे जाना है, बस क्लिक। आ जा रहा बाबू, चलो यहां तक सबको समाया। चलिए तो हेडिंग हेडिंग से ही लगाना, कहीं से भी अब यहां नहीं सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, क्लिक कर देंगे, बड़ा कर देंगे, हेडिंग हो जाएगा, नहीं। हेडिंग के लिए स्टाइल से हेडिंग लगाना पड़ेगा, तब काम करेगा, तो काम नहीं करेगा, इतना ध्यान देना, नहीं तो क्रिटिकल करते रह जाओ। क्या कह रहे हो? आसान है? अच्छा चलो देखते हैं आगे। इसी में दिया है बुकमार्क, तो देखो पहले बुकमार्क पढ़ने से पहले इसमें का इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो लिखा बुक मार, तो आप बताओ बुक पे मार क्यों देते हो? आप लोग बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, तो मार क्यों देते हो? क्योंकि अगले दिन जंप करके वहीं पे जाना हो तुम जा सकते हो। ये अगले दिन सर से मुझे पूछना है तो खोजना ना पड़े फिर से पढ़ पढ़ के, तुरंत हम लोग क्या कर लें, जाके पूछ लें, बोलो मान लो मैं पढ़ा और पहले पे तो कोई दिक्कत है, तो क्या करते हैं, मार्क लगा लेते हैं, जिससे फायदा यह होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखते हैं शॉर्ट में आई हम, ठीक है? आया पूछना है तो कुछ ना कुछ हिंट दे देते हो आप, कल आपको याद आए, ठीक है? या कई लोग पेज ही मोड़ देते हैं, ठीक है? अलग अलग तरीके होते हैं सबके, तो वैसे अगर मान लो हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, इसमें तो पेज तो मोड़ नहीं पाएंगे, टच तो कर ही नहीं पाएंगे, तो मोड़ेंगे कहां, ठीक है? इसके लिए बुक मार्क दिया है। अब बोला गया कल कहां तक पढ़े थे, या कौन सा इंपोर्टेंट लेसन है, या कौन सा ऐसा वर्ड है जो कल सर से पूछना चाहते हो, या कल वहीं से पढ़ना चाहते हो, या उसके बारे में जानना चाहते हो, उसके लिए बुक मार्क लगाते हो। फायदा यही होता है कि अगले दिन आते हैं पन्ना पढ़ते तो वहीं पे चले आते हैं। वैसे इसमें यह फायदा होता है कि जैसे हम लोग इसको खोलेंगे और बुक मार्क पे जाएंगे, तो एक आप गो टू, जैसे गो टू पे क्लिक कर देंगे चले जाएंगे जहां तक हम पढ़े थे पिछले क्लास, उसका भी लिंक अगर देना चाहते हो तो हाइपर लिंक में दिया जा सकता है। लेकिन हाइपर लिंक में देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां से भी जंप करके जा सकते हैं और यहाँ से भी जंप करके जा सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चलो मैं करके दिखाता हूँ दोनों जगह से। आता हूँ और मैं कल यहीं तक पढ़ाता हूँ या आज यहीं तक पढ़ाता हूँ और इसी पे मार्क देना है। आ जाता हूँ बुक मार्क और नाम दे देता हूं, जो भी लिखना है, ज्यादा मत लिखना, काम नहीं करेगा, दो चार करेक्टर लिख सकते हो हिंट के तौर पे, ऐड हो गया। अब अगले दिन मैं आऊंगा और वहीं से पढ़ना है, बस जाऊंगा काम, बुक मार्क, बस गो टू, आ गया। वही लिंक अगर वहां देना है, कहां पे, इसके बगल में, क्या करेंगे, आएंगे हाइपरलिंक, और देखो पी लिखा है ना, क्लिक, ओके आ गया पी के नाम, बस जाना वहां पे, बस कंट्रोल क्लिक। आ रहा है इसका वही यूज है और दूसरा कोई यूज नहीं। और आते हैं अब थर्ड नंबर, थर्ड क्या है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। बोलो अगर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का लिंक देना चाहते हो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इतना यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या मतलब है, अब कंट्रोल प्लस एन दबा सकते हो, मान लो यही पे काम कर रहे हैं, सुन लो, और मुझे नए पेज पे काम करना, नए सिरे से काम करना, तो क्या दबाते हो, कंट्रोल एन खुल जाता है ना, अगर उसी का लिंक देना है उसके लिए यह काम करना पड़े, इसलिए उतना उचित नहीं मेरे हिसाब से, जल्दी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बस क्लिक करा, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, बोला जी सर, नाम दे देता हूं न्यू, बस ओके खुल गया, हाँ नया विंडो खुलेगा, पेज नहीं, पेज में और न्यू विंडो फर्क है, पेज को उसी के अंदर,
नया बिंडू पूरा नए सिरे से हो जाएगा। और लास्ट में इसी में दिया है, वह दिया है क्या, ईमेल। किसी ईमेल आईडी को लिंक करना चाहते हो और डायरेक्टली ईमेल पे जाना चाहते हो तो यह इस्तेमाल करेंगे। कैसे करोगे तो मैं लिख देता हूं, जीमेल आईडी। जीमेल आईडी लिख दिया ना जी। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, ईमेल और ये जो हमने जीमेल आईडी दिया है इसको कॉपी कर लेंगे। पर सेलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल के ईमेल क्लिक कंट्रोल भी बस ओके जनरेट हो आ गया ईमेल जनरेट। बस अब क्लिक करूंगा क्रोम ब्राउजर पे लिख चला जाएगा, यही पे कहेगा जीमेल पे क्लिक करके मैं जीमेल आईडी डालो। बात एक ही है तो दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। अब यहां से खोल लेंगे, यहां से हो जाएगा बाबू। बोलो ये हाइपर लिंक पढ़ा दिया, बुकमार्क पढ़ा दिया और इसी में छोटा सा ऑप्शन है क्रॉस ब्रिज भी पढ़ा दू। बस सुन लो, जैसे ये क्रॉस रेफरेंस ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके आप यह चेक कर सकते हो कि आपके इस पेज पे कितना हेडिंग लगा है, कितना लगा है। चलिए बताइए, कहोगे सर गिनना, नहीं दिखे रहोगे तो क्या करोगे, गिनना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस रेफरेंस तुरंत क्रॉस करके बता देगा कितना हेडिंग लगाया हो। कैसे, बस क्लिक और लिखेगी यहाँ पे क्या एडी बता दिए दो, समझे। बुकमार्क कितना लगाया है, एक। मुझको नहीं पता कितना लगाया है, चेक करना। एक पिक्चर कितना लगाया है, एक भी नहीं, नहीं बताया। बोलो पिक्चर कितना लगाया हो, इन नोट कितना दिए हो, फुट नोट कितना दिए हो, ये सब चेक किया जा सकता है। ठीक है, लोकेशन देखने के लिए सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करते लोग। हम रुकेंगे क्या यहाँ, हम भी जाएंगे।